गाइज़ वेलकम बैक माय चैनल महा खान व्लॉग एंड वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप आप सब खैरियत से होंगे सेफ होंगे अपने अपने घरों में मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह सुबह आ गई हूँ बेकरी में क्योंकि आज मेरा मूड था केक खाने का तो मैंने यहाँ से ब्राउनी और केक लिया है और कुछ कुकीज़ और जूस लिए हैं और मैंने अपना व्लॉग भी यहीं से बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि व्लॉगर को तो ये सारा कंटेंट चाहिए होता है क्योंकि आप सबके साथ भी अपनी डेली रूटीन शेयर करनी होती है और जो जो मैं करूं वो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़रूर वो चीज़ें दिखाऊं ये मैंने सॉफ्ट ड्रिंक भी ली थी हमेशा की तरह मैं जूस लेने आऊँ और सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है मेरे साथ <laughs> पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉफ्ट ड्रिंक लेना ये मैं अब घर आ चुकी हूँ और ये जो मैं केक लेकर आई थी उससे मैं ओपन कर रही हूँ और केक के साथ मैं ब्राउनी भी लेकर आई थी तो मेरा बस यही मूड था कि आज केक और ब्राउनी का नाश्ता करना चाहिए क्योंकि कभी कभी ना बेकरी के केक की के के क्रैविंग होती है कि वो फ्रेश फ्रेश जो रोज़ाना केक बनते हैं उसकी खुशबू उसकी क्रैविंग होती है तो मैं तो बचपन से ही केक लवर हूँ और मैंने तो बचपन में सारा नाश्ता ही केक से किया हुआ है ये सिंपल वाले केक जो होते हैं अब इसके अंदर कोई ना कोई नट्स होता है और ये सिंपल होते हैं बस तो ये मुझे बचपन से मम्मा ने इसी केक से नाश्ता करवाया है पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता है शायद मैं बहुत ज़्यादा लाडली रही होंगी मम्मा की मुझे तो यही समझ में आता है क्योंकि ज़्यादातर मैं लोगों को देखूँ तो पराठे खाते हैं पापे खाते हैं और और कुकीज़ भी खाते हैं लेकिन केक बहुत कभी कभी किसी ओकेजन पे खाया जाता है या कभी कभी खाया जाता है लेकिन हमारे घर का ये रूल था रोज़ाना बेकरी से फ्रेश केक आता था और सब के लिए चाय बनती थी और सब केक का नाश्ता करते हैं मेरी फादर को केक का कर नाश्ता करना बहुत ज़्यादा पसंद है शायद इस वजह से मम्मा ने बचपन में हम लोगों को इतना ज़्यादा ये नाश्ता करवाया है अब भी वीकली तो हम लोग ये नाश्ता करते ही करते हैं तो अब यह चॉइस हो गई है कि हर कोई डिफरेंट नाश्ता करना पसंद करता है तो मम्मा ने फिर छोड़ दिया लेकिन जब तक मम्मा के हैंड ओवर सब चीज़ें थी तो मम्मा नाश्ते में हमें ज़्यादा से ज़्यादा केक रस या फिर केक का नाश्ता करने देती थी और कोई नाश्ता हम नहीं करते थे या बॉयल एग होते थे वो ज़बरदस्ती खाने होते थे मुझे बॉयल एग से बहुत अजीब सी चिड़ सी थी बचपन में क्योंकि वो लाजमी खाने होते थे वो आप ना खाएं स्कूल नहीं जा सकते कॉलेज नहीं जा सकते तो वो बड़ी एक टेंशन सी हो जाती थी कि सुबह उठ के अंडा खाना है यार दूध पीना है मेरी माँ बहुत स्ट्रिक हैं इस मामले में जो उन्होंने खिलाना है फिर वो उन्होंने लाजमी खिलाना है मतलब दूध भी प्रॉपर पीना है अंडा भी खाना है पर मुझे ये केक वाला सेक्शन बहुत अच्छा लगता था चाय के साथ गर्मा गर्म एक कप चाय और उसके साथ ही कटे हुए केक के पीसेस मुझे ये बहुत अच्छा लगता था और ये मैं ज़रूर नाश्ता करती थी डट के करती थी और मैं कभी भी इस नाश्ते को अवॉइड नहीं करती थी तो ये मेरा बाबा की तरह ये मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मुझे क्रैविंग होती है हर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं जाती हूँ बेकरी और अपने लिए और घर वालों के लिए केक लेकर आती हूँ और इसे फ्रेश फ्रेश काटती हूँ और सब में डिस्ट्रीब्यूट करके खाना बहुत अच्छा लगता है पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं <laughs> पुरानी यादों से मुराद है स्कूल की यादें क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम था कि हम लोग सुबह सुबह फजर के वक्त बाबा हर किसी को उठा देते थे फजर की नमाज़ पढ़नी होती थी लाजमी नमाज पढ़नी होती थी दुनिया इधर से उधर हो जाए फजर की नमाज़ हमारे पास जितनी भी सर्दी हो कुछ भी हो फजर की नमाज़ अवॉइड नहीं कर सकते फजर की नमाज़ पढ़नी है उसके बाद हम लोग सब बैठ जाते थे सुबह सुबह कुरान पढ़ा जाता था और बाबा तस्बी पढ़ते थे तो फिर वो बाबा हम लोगों को उस तस्वी के अंदर भी शामिल कर लेते थे ऊंची-ऊंची आवाज़ से बाबा तस्बी पढ़ते थे और हम लोग भी वो तस्बीहात पढ़ा करते थे तो मतलब बचपन से इतना कोई एक सिस्टम सा है बनाया हुआ था मेरे माँ बाप ने कि हम चाह के भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते थे और हम कभी चाहते भी नहीं थे कि हम उस चीज़ से बाहर निकलें टाइम की एक ऐसी मैनेजमेंट थी और ये सारे रूल फॉलो करने होते थे इसके बाद मम्मा एक कप दूध और एक बॉयल एक मम्मा देती थी ये हम लोग खा लेते थे कुरान और तस्बी पढ़ने के बाद उसके बाद फिर हम लोग अपने स्कूल की तैयारी करना शुरू कर देते थे मैं और मेरी बहन भाई और यूनिफॉर्म चेंज करना है और ये सारा काम वैसे रात को करके मम्मा रखती थी इस्त्री करके सारे यूनिफॉर्म के ऊपर और जूते पॉलिश करके और सब तैयारी बिल्कुल बस हमने बस वेयर करना होता था और हम लोग तैयार होकर आते थे तो मम्मा फिर ये गरम-गरम चाय के साथ केक हमें सर्व करती थी तो वो बचपन की इतनी मीठी मीठी यादें हैं कि मैं आपको क्या बताऊं और फिर हम लोग गाड़ी वाले अंकल का इंतज़ार करते थे गेट के बाहर निकल के चहलकदमी करते थे थोड़ा राउंड लगाते थे और सुबह का खूबसूरत मौसम भी देखते थे मुझे पता नहीं क्या था बचपन में मेरी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ आसमान पे होती थी मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती और आज भी मेरी नज़रें आसमान पे ही होती हैं मुझे आसमान इतना ज़्यादा फैसिनेट करता है कि मैं आपको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती बादलों का गुजरना मौसम की चेंजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के और मम्मा बार बार गेट पर आती थीं कि अब वैन वाले अंकल आ गए हैं या नहीं आए हैं और जब वो आते थे तो मम्मा हम लोगों को गाड़ी में बिठाती थी, थी। ख़ुद गेट पे खड़े होके और बहुत वी प्रोटोकॉल से हमें स्कूल भेजा करती थी और अब जैसे कॉलेज भी में यही सब कुछ था कॉलेज तक उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में आ गए फिर पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई तो फिर शायद माँ बाप ने थोड़ी ढील दे दी कि चलो पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है तो चलो बच्चों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं अपनी मन करने देते हैं लेकिन मेरा बचपन बहुत स्ट्रिक्ट वो कहते हैं ना कि रूलर से खिंची हुई एक सीधी लाइन बिल्कुल इस लाइन की तरह मेरा बचपन गुजरा है और मुझे बहुत प्राउड है इस बात पर मेरा बचपन मेरी जवानी मेरा कॉलेज सब कुछ इस तरीके से मेरी यूनिवर्सिटी सब इस तरीके से गुजरी है और ये सारा प्राउड मुझे असल में अपने माँ बाप पे है क्योंकि कि सब कुछ उन्हीं की इनायत है उन्हीं का दियावा है हर चीज़ उनकी सिकाई हुई है मुझे मेरे अल्लाह ताला से उन्होंने मिलवाया मतलब मुझे अल्लाह का बताने वाले कि वो इतना कादिर है वो इतना रहमान है वो इतना रहीम है मेरे माँ बाप हैं सबसे पहले मैंने ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं सीखी मतलब हर बच्चा ये चीज़ें अपने माँ बाप से सीखता है मैं मानती हूँ ये बात लेकिन हर माँ बाप ऐसे नहीं होते कि उनकी ज़िंदगी में भी वही चीज़ें होती हैं क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो प्रैक्टिकल देख के सीखता है वो बताने से नहीं सीखता वो जब आपकी ज़िंदगी में वो प्रैक्टिकल झलकता हो जब आपके माँ बाप नमाज पढ़ते हों तहजद की नमाज पढ़ते हों तहज गुजार हूँ तो फिर वो बच्चा उस चीज़ को पिक करता है कि नहीं ये मेरी मेरी बाउंड्रीज़ हैं और मुझे इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना ये तय सिर्फ और सिर्फ बच्चा खुद करता है कोई माँ बाप उसे ये बोल के तय नहीं करवा सकते और मैंने इर्द गिर्द अपने ऐसे माँ बाप भी देखे हैं जिनकी तवज्जो ही नहीं, नहीं थी अपनी औलाद के ऊपर और उनका काम उनके लिए फर्स्ट प्योरिटी थी वो बच्चों के साथ बैठ के हैंग आउट नहीं करते थे वो दीन नहीं समझाते थे मेरे फादर बहुत ज़्यादा हम बहन भाइयों को बैठ के दीन समझाते थे और बताते थे ज़िंदगी की ऊंच नीच और स्टडी के ऊपर तो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करते थे बस कहते थे कि बस आपने स्टडी करनी है आगे बढ़ना है अपना फ्यूचर बनाना है अल्लाह शुक्र अलहमदिल्ला मेरा बचपन ऐसा गुजरा है कि मुझे बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली है बचपन से और अलहमदिल्ला अभी तक तवज्जो मिलती है और मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ सिर्फ और सिर्फ़ अपने माँ बाप की वजह से कि उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त और इतनी मोहब्बत अता की ये तो मैं आपके साथ शेयर करना ही भूल गई गाइस बातों बातों में कि ये मैं लंच में हलीम खा रही थी आज मेरा हलीम खाने का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था तो मैंने हलीम मंगवाई थी और मैंने वो ही लंच में खाई बीफ हलीम है और किसकी आदत है चमचे से हलीम खाने की ये मेरा ब्लॉग है मैं आपसे मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में तो गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा रखियेगा अल्लाह